तो मैं वही इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस बनाए हूँ अबाउट मोस्ट ऑफ फ्रेंचाइजी के स्पेयर फूड्स के अपकमिंग या फिर रिलीज सीरीज या फिर मूवीज के ऊपर। इसलिए वही मैंने सोचा आज कुछ हटके किया जाए जो वही तुम लोग को पसंद भी आएगा। इसलिए वही आज हम लोग बातें करेंगे स्पेयर फूड्स के सबसे डार्केस्ट क्वेश्चन बॉब डार्क के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी उसके स्टेट्यून। और हाँ वही मुझे पता है तुम लोग वही जानते हो काफी सारे बेसिक चीजें अबाउट बॉब डार्क बिकॉज वही काफी सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में काफी पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं और मैं भी काफी पहले डिस्कस किया था मेरे पुराने चैनल्स पे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ भी कॉमन बातें या फिर जो भी तुम जानते हो वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब करेंगे जो भी तुम लोग शायद ही जानते हो। तो स्टे ट्यून। तो भाई एक काफी बड़ा सच है जो भाई सब लोग छुपाते हैं व्यूज के वजह से। बॉब के चाइल्डहुड के लास्ट चैप्टर बॉब द मूवी के एक ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो के थंबनेल को कुछ ऐसे बना के छोड़ दिया था और उस थंबनेल पे निजम भैया ने बॉब के एक मिस्टीरियस पावर को भी शो किया था। पर मेन मुद्दा ये है कि भाई ये काफी डार्क था इसलिए भाई काफी लोग कहते हैं डार्की है या फिर बॉब के डार्क पार्क का एक कॉन्सेप्ट है ये। पर इससे भी बड़ी बात है कि भाई हर एक यूट्यूबर्स इस बात का ही फायदा उठा के प्रूफ करते हैं बॉब डार्क एग्जिस्ट करता है और ये भाई कॉन्सेप्ट है बॉब का डार्क पावर का। पर जो भी कहो वही काफी सारे यूट्यूबर्स ने तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा मजाक किया और मैं भी वही किया था इन पास। पर आज हम खोलने वाले हैं असली पोल को और असली सच्चाई को वही सब लोग के सामने ले आएंगे। देखो भाई निजम भाई ने कभी भी नहीं कहा था कि भाई ये कोई बॉब के नए पावर या फिर बॉब डार्क का कॉन्सेप्ट है। ऊपर से अगर तुम गॉड से नोटिस को तो भाई देख पाओगे बॉब सुलर का एक कॉपी है जो भाई निजम भाई के पर्सनल एडिटर ने ब्लैक किया है, डार्क किया है और भाई पंखा लगा के ऐसे टेढ़ा करके यहाँ पे बैठा दिया है और भाई क्लिक पेस्ट करके इन यूट्यूब एज ए थंबनेल ऑफ ए वीडियो पब्लिश कर दिया है जो भाई हम लोग को काफी अच्छे से धोखा देके व्यूज छाप पाया है। प्लस भाई काफी सारे यूट्यूबर्स भी हम लोग को धोखा दिया है इस फोटो को यूज करके। इस थंबनेल को छोड़ के भी और एक पोस्टर है जो भाई तुम लोग को धोखा देते आ रहा है काफी सालों से जो कि भाई ये अब भाई इसे दिखाकर भाई काफी सारे मलेशियन और इंडियन यूट्यूबर्स हम लोग और तुम लोग का काफी काटा है जो भाई हम लोग और तुम लोग भाई समझ नहीं पाए थे। पर मैं समझाता हूँ। देखो भाई निजम भैया ने 2014 में मलेशिया के एक कॉन्फ्रेंस में बॉब के 7 एलिमेंटल पावर्स के थर्ड लेवल का एक कॉन्सेप्ट रिलीज किया था जो भाई ये सब थे और इन सबको दिखा के ही काफी लोग अभी कहते कि भाई बॉब के 15 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ये और ये बॉब डार्क। पर ये बॉब डार्क नहीं है, निजम भाई के तब के प्लान के मुताबिक ये है बॉब के फायर पावर का थर्ड लेवल जिसका नाम था पायरो पर ये अभी है नोवा। तो प्रूफ देखो वो ये कुछ भी 15 एलिमेंट 16 एलिमेंट्स का चक्कर है नहीं, ये भाई बॉब के ही तब के 7 एलिमेंटल पावर्स के थर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट था। इतना कुछ बेकार के सबूतों के सच्चे जानने के बाद भाई मैं इतना ही कहूंगा भाई बॉब मूवी 2 के बाद की कहानी बॉब गैलेक्सी सीजन 2 भी आ चुका है और आज तक भाई बॉब फ्यूजन कर चुका है। बॉब ने अपने पावर्स के 2 पावर्स के थर्ड लेवल भी यूज कर लिया है तो भाई काफी कम चांसेस है बॉब के कोई नए पावर का आने का। इसलिए भाई 90% चांस है बॉब डार्क कभी भी नहीं आएगा और भाई 10% चांस है अगर निजम भाई थोड़ा भी कुछ सोचेगा तो भाई आ भी सकता है इन फ्यूचर। अब मैं भाई कुछ यूट्यूबर्स को एक ही बातें कहना चाहता हूँ भाई फालतू के अफवाह मत फैलाओ। तो भाई काफी पोल खोल दिया तो भाई लोग सच्चाई भाई तुम लोग सामने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।